बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहन भाइयों। अच्छा, आज मैं आपके लिए सिंघाड़ों की अफादियत के लेकर आई हूँ। सिंघाड़ों की अफादियत के बारे में बताऊँगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर चेस्टनट, ठीक है जी। ये भी कच्चे ही हैं, ये कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है सिंघाड़ा। और इसको हम उबलने के लिए डाल देंगे, पकने के लिए पानी में, ठीक है जी। ये हमने पानी में डाल दिए और इसको हम उबाल लेंगे 1 से 1.5 घंटा। इसके फ़वाद, अच्छी तरह से उबाल लेना है, फिर चेक कर लेना कि गल गया या नहीं गला। ऊपर आराम से छिलका उतर आएगा। वाटर चेस्टनट या सिंघाड़ा, सिंघाड़े के फ़ायदे क्या हैं? बहुत से फ़ायदे भी हैं और ज़ाहिर बात है किसी चीज़ के फ़ायदे होते तो नुकसान भी होते हैं, तो हम आपको फिर बताएंगे, बताते हैं इंशाल्लाह कि क्या फ़ायदे क्या हैं इसके। अच्छा, ये देखिए सिंघाड़े हो गए हैं, गरम गरम सिंघाड़े, और थोड़े से यहाँ से सख्त है, जहाँ से सख्त हो वहाँ से ना इसको ऐसे ना उतार लो, ठीक है जी। सिंघाड़े उबल गए, बड़े ज़बरदस्त उबले हैं, नरम हो गए हैं, बेहतरीन किस्म के। इनको छीलने का तरीका ये है कि ये छिलका इसका आराम से निकलाते हैं। सर, अच्छा, इसके फ़ायदे ये हैं कि कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं सिंघाड़े। सिंघाड़ों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन होते हैं, ठीक है। और सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। ये सर्दियों के 2 महीने सिर्फ रहते हैं, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के मेरे ख्याल मिड तक ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। ये हमारे शहर में झेलम में तो होते भी नहीं हैं, ये लाहौर से आते हैं, वहाँ बहुत होता है सिंघाड़ा। इसको उबाल के खाते हैं और इसका पाउडर भी यूज़ हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में। इसको सुखा लें उबाल के, और इसके इसके पाउडर को आप बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरह के बीमारियों में भी काम आता है। और ये देखें जी, ये हमारे सिंघाड़े गए हैं छिल, बस दोबारा से इसको हम साफ कर लेते हैं। ये हो गए, अब इसमें हम डालेंगे लीमू और चाट मसाला डाल के तो इसको खा लेंगे। और 100 ग्राम से ज़्यादा सिंघाड़े आपने नहीं खाने, क्यों? क्योंकि इसमें इसके नुकसान भी फिर होते हैं। 100 ग्राम में 149 कैलोरीज होती हैं, और 100 ग्राम जो होते हैं वो एक दिन के लिए बेशुमार होते हैं, जो आपके जिस्म के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे नींबू, ये देखें जी लीमू निचोड़ दिया हमने। और अच्छा, ज़्यादा खाएंगे आप तो आपको आपके पेट में हवा हो जाएगी, बस ज़रा सा चाट मसाला डालें। अगर किसी ने ज़्यादा डालना तो ज़्यादा डाल लें, मुझे तो बेसिकली इतना ज़्यादा नहीं पसंद चाट मसाला, नमक शमक डाल के खा लें। ये मैं खा के बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरम और ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं बने। सर्दियों के तोहफे से फ़ायदा उठाएं, लाजवाब तोहफा।